दोस्तों इस फोन में क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम या तो एंड्रॉइड है या आईओएस है, लेकिन अब भारत जो है उनों पर डिपेंड नहीं हो रहा है, अपने खुद की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। उसका नाम है भार ओएस यानी भारत ओएस। आज के दिन भारत और बिगर इंडिया प्रस्तुत कर रहा है, अपने सारी चीज मेक इन इंडिया के अंदर करने जा रहे हैं। अपने कैसे एक ऐसी चीज के ऊपर विश्व के अंदर डिपेंडेंट रह सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले तक अपने हर चीज एक गोली तक भी जो है ना फॉरेन से आती थी डिफेंस सेक्टर के अंदर। और आज के दिन अब मेक इन इंडिया के चलते अपने सिर्फ ऐसा ही नहीं है, 75% तक जो है अपने डिपेंडेंसी हट गई है, इंडिपेंडेंट बन गए हैं। और सिर्फ 25% ही सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, बाद बाकी अब अपने एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। इसलिए वैसे ही अपने इस मोबाइल के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपने कैसे उनके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। हार्डवेयर तो कोई भी बना लेता है, ऑलरेडी पहले भी बन ही रहा है। आज के दिन अब अपने खुशी तो होती है कि अपने इतनी उन्नति कर रहे हैं और अपने उन्नति कर सकते हैं। अपने भारत वर्ष में जहां करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स हैं, आज के दिन डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अपने इसका भार लिया है और उन्होंने भार ओएस बोल के एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने की ठान ली है और ऑलमोस्ट ये कंप्लीशन स्टेज के ऊपर है। आपने और एक चीज महसूस की होगी, अपने ये लोग जो रहते हैं उन लोग अपने फोन के अंदर भी सारी चीजें देख सकते हैं। देयर इज ए ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी आल्सो। आज के दिन अपनी जो आर्मी है, नेवी है, कोई भी चीज है, सब कोई फोन का यूज करते हैं। अगर अपने उनका सिस्टम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन लीक होती है। अपने यहाँ पर जब अपना सिस्टम रहेगा तो अपने पहले आत्मनिर्भर बनेंगे और फिर एक्सपोर्ट करके फिर उसके अंदर अरबों रुपया कमाएंगे। जैसे आज के दिन कोई भी चीज अपने को गूगल है या क्रोम के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वैसे ही एक एक चीज अपने आत्मनिर्भर कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। अपने NDA नो डिपेंडेबल ऐप के अंदर जा रहे हैं, जो एक बहुत ही खुशी की बात है। अपने IIT मद्रास जो है इसके ऊपर फुल टाइम काम कर रहा है और एक बहुत बड़े दिशा के अंदर अपने प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो एंड्रॉइड आता है या iOS लग के ही आता है अगर एप्पल का फोन है तो। बाद में अपने पास एक ऑप्शन भी रहेगा जब अपने भार ओएस को यूज कर पाएंगे। अब आगे अपने पूरा फोन जो है इंडिजीनियसली अपना कंपोनेंट रहेगा, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसकी डिजाइनिंग एवरीथिंग। इसके बारे में भार ओएस के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा और इसके अंदर क्या आपको ऐसी और जानकारी चाहिए और अपने को कैसे वीडियो और बनाने हैं, सारी चीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कुछ दिनों के लिए मार्केट के अंदर IT कंपनियां डाउन फोन की तरफ थी, लेकिन आप जानते हैं बिना सॉफ्टवेयर के कोई चीज चलनी नहीं है, तो इसलिए IT कंपनी का भविष्य कभी खराब हो ही नहीं सकता है, तो उनको भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा। भार ओएस द नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, इसका हम सबको बेसब्री से इंतजार करना चाहिए। पहले ये जो चीज है वो अपने जो टॉप सिक्योरिटी को चीज है उसके अंदर आएगा, फिर आम आदमी के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, अभी आपने देखा होगा कैसे अपने जो ऑटो के अंदर भी जो चिप लगती है सेमीकंडक्टर, उसके अंदर भी अपने जा रहे हैं। मेरे को लगता नहीं है कि भारतवर्ष कुछ 2-5 सालों के अंदर लग रहा है कि कोई भी चीज इम्पोर्ट करना ही बंद कर देगा, सारी चीज एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट होनी है दोस्तों। इसलिए अपने इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी चीज अपने को करनी नहीं है। कोई भी विदेश वाले भी जो चीज है, अब इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है उसके अगेंस्ट में नहीं रह पा रहे हैं, उनको उसमें सहयोग देना ही है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही है और अपने को तो करना रहेगा ही दोस्तों। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद।